नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 5। हमारी लास्ट वीडियो में आपने प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1-4 देखा है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5-10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 5 हमारा है, ए टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं उसमें यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस की हमें क्या करना है, डिजिट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले हम टेंथ प्लेस की जो एज्यूम करते हैं x, और यूनिट प्लेस की जो डिजिट रहेगी उसको क्या एज्यूम करते हैं y। लिखते हैं लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी यक्स एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी वाई। अब टेंस पे यक्स है मतलब इसमें कितने का इंटू होगा 10 का, और इसमें कितने का यूनिट प्लेस पे है तो इसमें 1 का, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। सो देयर फोर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, क्योंकि टेंस में 10 का इंटू होता है और यूनिट में 1 का, ये हमारा नंबर है। अब यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट भी लिख लेते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को बदलने के बाद जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा उल्टा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा वाई, वाई यहाँ आ जाएगा वाई, एक्स वहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन में जाते हैं, बाई फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, द टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, मतलब 10 डिजिट का नंबर कौन सा हमारा ये है 10x प्लस वाई। यह क्या बोल रहा है कि 3 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना है x प्लस वाई है, इसके 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। यही बोला है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है उसके नंबर उसके डिजिट के सम के 4 टाइम्स से कितना अधिक है, 3 ज़्यादा है। हमने लिख दिया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का x में इंटू करेंगे 4x प्लस 4 का y में 4y प्लस 3। अभी क्या करना है, हमें वेरिएबल्स एक साइड लेना है, 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 3। यह माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 6x, यहाँ माइनस करेंगे तो 3y माइनस आएगा, बड़ा माइनस है, इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग बाई 3, 3 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। इसी तरह सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि द इफ द 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड किया जाए द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, और 18 ऐड करने के बाद जो डिजिट में 18 ऐड करते तो उसका जो सम आता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरचेंजिंग नंबर के इक्वल होता है। सो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसमें कितना ऐड करना है 18 ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर होता है वह मिलता है इस तरह। अब क्या करना है, वेरिएबल एक साइज, तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 18 को उस साइड सेंड करेंगे माइनस 18 हो जाएगा, यह माइनस करते हैं तो 9x आएगा, यह माइनस करें तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। देखिए सारे के सारे नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा
माइनस टू, इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे भी वन वाई है, यहाँ पे भी वन वाई है, यहाँ पे टू एक्स है, यहाँ पे वन एक्स है। अभी हमें क्या करना है, हमें वाई और वाई को कैंसिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि दोनों का मार्क सेम है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को वन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, वन हमारा यही है, टू है, तो टू वन को हमें टू में से करना है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पे दिया है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। सब्ट्रैक्ट करते लाइन थोड़ा नीचे मारना है, मार्क चेंज करना था, यहाँ प्लस है तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, ए प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। वन एक्स में से टू एक्स माइनस करना, मतलब टू एक्स में से वन एक्स माइनस करना है, माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू, इट विल बी माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब एक्स की जो वैल्यू आई हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर वन में, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। तो टू इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू वन, सिक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, सिक्स विल गो दैट साइड, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइव आ गया। देखिए एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारी, वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर था वह फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर में हम क्या रख देंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयर फोर द ओरिजिनल नंबर नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू x की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस y की वैल्यू 5, 30 प्लस 5, सो आंसर विल बी 35। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 7 पेंस इज रुपीज 79 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स एंड 5 पेंस इज रुपीज 77, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेंस। देखिए हम यहाँ पे वन बुक और वन पेन का पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद वन बुक और टू पेन का निकाल लेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं पहले बुक का और फिर पेन का। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक बी रुपीज यक, मतलब एक बुक का हमने कॉस्ट कितना एज्यूम किया है, यक्स रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स रहे, इसलिए हमने एक्स और वाई एज्यूम किया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, फाइव बुक्स हैं और सेवन पेन है, एक बुक का कितना है एक्स है, तो फाइव बुक का कितना हो जाएगा फाइव एक्स, और एक पेन का रेट कितना है वाई है, तो सेवन पेन का कितना हो जाएगा सेवन वाई हो जाएगा। तो बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है फाइव बुक्स मतलब फाइव एक्स और सेवन पेन का मिला के रेट कितना होता है 79, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है कि सेवन बुक है और फाइव पेन्स है, बाय सेकेंड कंडीशन लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमारा सेवन बुक हो गई है और फाइव पेन्स है, जिनका रेट कितना होता है 77 होता है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखिए इक्वेशन बन गई, जब इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 5y है, हमें दोनों का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 7 सेम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, ये भी 35 हो जाएगा, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई ये भी 35 हो जाएगा, तो कैंसिल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में और 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई फाइव, इक्वेशन नंबर वन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइव से मल्टीप्लाई, फाइव से फाइव में करेंगे 25x प्लस फाइव का सेवन में करेंगे 35y इज इक्वल टू फाइव का सेवन 79 में करेंगे, तो हमारा आएगा 395, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट अभी ये अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, इस सेवन से करना है। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन सेकेंड बाई सेवन, सेवन से इसमें मल्टीफाई करेंगे, सेवन सेवन सा 49 हो जाएगा, 49x प्लस 35y इज इक्वल टू, इसका मल्टीफाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 953। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा। अब देखिए ये भी 35, ये भी 35, दोनों का मार्क क्या है, सेम है। मार्क चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा ये है, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 4 में से क्या करते हैं, सबट्रैक करते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो पहले हम 4 लिखते हैं, 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 539, और यहाँ पे हो जाएगा 25x प्लस 35y इज इक्वल टू 395। लाइन में थोड़ा नीचे मारना है क्योंकि मार्क चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए 35 प्लस में है, 35 माइनस में, तो क्या है, कैंसिल हो गया, इसको माइनस कर देते हैं तो आएगा हमारा 24x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 441, यक्स इज इक्वल टू 144, 24 का यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, उससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड करते हैं तो यक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई है। अब जो x की वैल्यू 6 आई है हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 कहीं भी रखना है, तो हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 5 इंटू 6 प्लस 7y इज इक्वल टू 79, इसका मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा, 30 प्लस 7y इज इक्वल टू 79, 30 का प्लस है उस साइड का तो माइनस, 7y इज इक्वल टू 79 माइनस 30, तो 7y इज इक्वल टू 49, 7 का यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई उस साइड का तो डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 7, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7। यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 7 आई, मतलब एक जो बुक है उसका रेट कितना है 6 रुपीज़ है, और एक पेन है उसका रेट कितना है 7 रुपीज़ है, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक बुक और दो पेन का, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड टू पेन्स इज इक्वल टू, वन बुक मतलब 1x प्लस टू पेन मतलब 2y, 1x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 प्लस 2 इंटू 7, 6 प्लस 14 इज इक्वल टू रुपीज 20, मतलब एक बुक और दो पेन का मूल्य कीमत कितनी है 20 रुपीज़। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3, एवरी पर्सन सेव्स रुपीज 200, फाइंड द इनकम ऑफ ईच, पता है यहाँ पे 2 पर्सन है जिनकी इनकम की रेशियो दी गई, तो हम इनकम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इनकम इनके फाइंड करनी है, लेट द इनकम ऑफ ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज एक्स एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बी रुपीस वाई, मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम हमने कितना एज्यूम किया है एक्स, और सेकेंड पर्सन का इनकम कितना एज्यूम किया है वाई। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बोला, फर्स्ट कंडीशन में कि दोनों की रेशियो इनकम का दिया है 9:7, तो लिख देते हैं बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, यक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/7, यही दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का x में 7x माइनस इज इक्वल टू 9y, 9y को इस साइड लेना है, 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का हमें एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, एक्सपेंस का एक फार्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस इज इक्वल टू
इनकम माइनस सेविंग, मतलब जो हमारी इनकम रहती है उसमें से हम सेविंग निकाल देते हैं तो बचा हुआ वही हम एक्सपेंस करते हैं। तो ये फार्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का एक्सपेंस निकालने वाले हैं, एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू उसका इनकम क्या है फर्स्ट पर्सन का एक्स है और यहाँ पे उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना सेविंग किया है 200, तो यहाँ पे लिख दीजिए 200, ये रुपीज़ में लिखना है, रुपीज़ एक्स माइनस 200 उसका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू रुपीज़ वाई माइनस 200। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंस आ गया इसका भी रेशियो दिया हुआ है 4:3 बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में हमारा हो जाएगा रेशियो ले लेते हैं एक्स माइनस 200 अपॉन वाई माइनस 200 इज इक्वल टू 4:3, यही हमारा रेशियो दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × x माइनस 200 इज इक्वल टू 4 × y माइनस 200, 3x माइनस 3 × 6 इज इक्वल टू 4y, 4 × 2 = 800। अब क्या करना है, xy एक साइड विदाउट xy एक साइड, 3x माइनस 4y एंड माइनस 800 इट विल गो दैट साइड प्लस 600, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस करते कितना आएगा माइनस 200। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे y को अगर वेरिएबल सेम करना है तो यहाँ पे 9 है और वहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 हो जाएगा और वहाँ पे 9 से करना पड़ेगा वो भी 36 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई 4, 4 से इसमें करते हैं 28x माइनस 36y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 9, इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27x माइनस 36y इज इक्वल टू माइनस 1800, इक्वेशन नंबर 4 है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 4 एंड थर्ड को देखिए, ये भी 36y, ये भी 36y, अगर दोनों को हम यहाँ तो दोनों का मार्क सेम है तो मार्क बदलना पड़ेगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करें 36y कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर दिस फ्रॉम दैट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, 3 हमारी इक्वेशन क्या है, 28x माइनस 36y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 27x माइनस 36y इज इक्वल टू माइनस 1800। मार्क थोड़ा नीचे नहीं, हाँ मार्क मारना है, इसकी वजह से हमें क्या करना, लाइन थोड़ा नीचे मारना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, अभी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 1800, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1800। अब एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर हम 2 में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1800 इन इक्वेशन 2, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ 2 में पुट कर रहे हैं, 3 × 1800 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5400 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 5400 माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं माइनस 5600, माइनस माइनस कैंसल, 4y इज इक्वल टू 5600, y इज इक्वल टू 5600 डिवाइड बाई 4, सो y इज इक्वल टू आ गया 1400। यहाँ पे देखिए
x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू आई हमारी 1800 और y की वैल्यू कितनी आई 1400। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो देयर फोर द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज रुपीज 1800 एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज रुपीज 1400। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 9 स्क्वेयर यूनिट्स। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाई 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल की हमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना, तो वही एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट्स एंड दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि उसकी लेंथ में अगर 5 रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ में 5-3 इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है 9 से। तो हम यहाँ एरिया भी निकाल लेते हैं, सो देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है हमारा, लेंथ में क्या कर रहा है, 5 रिड्यूस कर रहा है और ब्रेथ में 3 इंक्रीज रहेगा, मतलब एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3 और उसके एरिया में कितना बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, 9 कम हो रहा है, यही लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करना है और माइनस 5 का मल्टीप्लाई दोनों में, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे एक्स का वाई में एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 3 में 3x, 5 का वाई में माइनस 5y और 5 का 3 में माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 9। अब देखिए हमें क्या है, इक्वल के हिसाब से केवल वेरिएबल चाहिए, इसको वहाँ भेज देते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यह हमारा माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6, यह इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमें क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 2, अगर लेंथ में अगर 2 रिड्यूस करते हैं एंड ब्रेथ में 2 इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा, 67 इंक्रीज हो जाता है। तो लिख देते हैं बाई सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, उसकी लेंथ में हमें क्या करना है, इंक्रीज कितना करना है, उसकी लेंथ में हमें तीन रिड्यूस करना है और उसकी ब्रेथ में हमें क्या करना है, इंक्रीज कितना करना है, 2 इंक्रीज करना है। तो उसकी एरिया में कितना इंक्रीज हो जाता है, वह 67 लिखेंगे। इस x का मल्टीप्लाई हम दोनों के साथ में करेंगे, माइनस 3 का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ में करेंगे। चलिए x का मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे, एक्स वाई हो गया, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई y में माइनस 3y और 3 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 67। अभी 6 को हम उस साइड भेज देते हैं तो हमारा यह हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 67 प्लस 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब ध्यान दिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे 5 है और वहाँ पे कितना है 3, अगर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा और इस 5 का वहाँ कर दे तो वो भी 15 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से।
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई थ्री, थ्री जा नाइन एक्स हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू, थ्री सिक्स जा एटीन, इक्वेशन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई फाइव, फाइव से करेंगे, फाइव टू जा टेन एक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू फाइव का इसमें कर देंगे तो आएगा हमारा थ्री फाइव जा फिफ्टीन को फाइव, थ्री फाइव थ्री फाइव जा फाइव से जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स, इक्वेशन नंबर फोर हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ए भी फिफ्टीन वाई, ए भी फिफ्टीन वाई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, मार्क चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थ्री को फोर में से सब्ट्रैक कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम फोर। पहले हम फोर लिखते हैं, टेन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव, नाइन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू एटीन, मार्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमारा एक्स, और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा हमारा थ्री फोर सेवन। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, थ्री फोर सेवन आ गई है, उस एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन या टू कहीं भी रख सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं, पुट एक्स इजिकल टू थ्री फोर सेवन इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो टू इंटू थ्री फोर सेवन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सिक्स नाइन्टी फोर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री। अभी हम इसको उस तरह भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा, तो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री है ही, और 694 का क्या हो जाएगा वहाँ पे, माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो माइनस 621 आएगा, माइनस से माइनस कैंसल, थ्री वाई इज इक्वल टू 621, वाई इज इक्वल टू थ्री का मल्टीप्लाई उससे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 621 डिवाइड बाई थ्री, सो वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, सॉरी थ्री टू जा सिक्स जीरो, और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, कितना आएगा 207 आएगा। देखिए एक्स की वैल्यू हमने निकाला 347 और वाई की वैल्यू कितना निकाला है 207, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, हम तो लिख देंगे सो देयर फोर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कितना है रेक्टेंगल की लेंथ कितना है 347 यूनिट्स, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 207 यूनिट्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर एट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी आर ऑन रोड इज 70 किलोमीटर, मतलब दो प्लेस है जो ए और बी है उनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम बी, एक जो कार है ए से स्टार्ट होती है और एक बी से स्टार्ट होती है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जाते हैं, देन दे मीट ईच अदर आफ्टर 7 आवर, मतलब दोनों एक दूसरे को कब मिलते हैं 7 घंटे बाद मिलते हैं, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, दे देन फाइंड देयर स्पीड, हमें क्या करना है फर्स्ट कार की और सेकेंड कार की क्या करना है स्पीड निकालनी है, फर्स्ट कार जो हमारा ए से स्टार्ट होती है और सेकेंड कार कहाँ से स्टार्ट होती है सेकेंड बी से स्टार्ट होती है, हम इसकी स्पीड निकालनी है, तो लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आर, यह फर्स्ट कार की क्या है स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आर।
अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह है कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है टोटल 70 किलोमीटर। अभी ए यहाँ से स्टार्ट करता है, जा रहा है, बी भी यहाँ से स्टार्ट करता है, जा रहा है, दोनों मिलते हैं कितने घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद। मतलब जो ए को डिस्टेंस लगा है तो वो निकालना पड़ेगा, और बी का डिस्टेंस लगा वो निकालना पड़ेगा, और दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे, और दोनों का टोटल जो रहेगा वह यहाँ पे मिलने का वह क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। मतलब इसका डिस्टेंस यह किसका रहेगा, जो ए स्टार्ट किया है, और यह वाला जो है यहाँ से यहाँ ये किसके हैं, बी द्वारा डिस्टेंस है, और दोनों कहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पे 7 घंटे बाद मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाई फर्स्ट कंडीशन में क्या निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फॉर इन 7 आवर लिखते हैं। बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 7 आवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है 7 घंटा, स्पीड कितनी थी उसकी, एक्स थी, तो कितना हो जाएगा 7x किलोमीटर। तो यह हमारी ए की है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यह क्या है 7x किलोमीटर ए का डिस्टेंस है। उसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 7 आवर्स इज इक्वल टू 7y किलोमीटर, यह क्या है 7y है। अब देखिए यहाँ पे जो हम यह निकालेंगे 7x जो होगा, यह 7x इज इक्वल टू 7x में से अगर 7y माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में गए है ना, तो या तो लीनियर हम बना सकते हैं कि ये लीनियर है सीधा। 7 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं, मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर हमें पता है। अब यहाँ दोनों समझिए यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से ए चला है और यहाँ से बी चला है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस रहेगा, इसका जो डिस्टेंस रहेगा एक घंटे का, वह क्या रहेगा, उसका टोटल जोड़ के कितना किलोमीटर होता है 70 किलोमीटर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 1 आवर इज इक्वल टू 1x, ओनली x लिखेंगे, x किलोमीटर, मतलब a ने कितना कवर किया है ओनली x, और b कितना कवर किया एक घंटे में 1y, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 70, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई, दो इजी इक्वेशन बन गई है, हम दोनों क्या करते हैं अभी ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, कैंसिल हो गया y वाई, x कितना x हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहीं भी, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 70
y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, सो y इज इक्वल टू 30। मतलब जो फर्स्ट कार है जो ए से चली थी उसका उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर है, और जो पॉइंट बी से चली थी उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर। सो देयर फोर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आर, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज 99, फाइंड द नंबर। देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, जो डिजिट यूनिट प्लेस की है उसको और टेंथ प्लेस की उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम टेंथ प्लेस की एज्यूम करते हैं, लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी यक्स एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी वाई। सो देयर फोर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई आएगा और यूनिट्स में 1 का। सो देयर फोर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 यक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका और इसके इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर था उसका सम कितना दिया है 99, तो इंटरचेंज का नंबर निकाल देते हैं। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू 10 वाई प्लस एक्स, यह हो जाएगा बाय गिवन कंडीशन। एक ही कंडीशन दी गई हमें, कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यह जो नंबर है और यह नंबर दोनों ऐड करके कितना होता है 99 होता है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 99, 10x 1x इट विल बी 11x, 1y 10y कितना 11y इज इक्वल टू 99। 11 हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 99, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 99 अपॉन 11, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर एज्यूम करना है, अगर सपोज करिए हमने यहाँ पे यक्स वन लिया या वन लिया तो हमारा y कितना आ जाएगा वो निकाल लेना है। तो इसी तरह हम एज्यूम करके ले लेते हैं एक दो नंबर, लेट यक्स इज इक्वल टू 1, देन हमारा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 9 है, तो यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यक्स इज इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा, सॉरी x प्लस वाई हमारा 9 है, x की हम क्या रखते हैं 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। सो हमारा जो नंबर है वह क्या बन जाएगा, सो देयर फोर द डिजिट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं इंटरचेंज करके यहाँ पे 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे हम कई नंबर बना सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा 9th का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट को जो वर्ड प्रॉब्लम थे खत्म हो गए हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।